हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास एट्थ की साइंस बुक का लेसन नंबर 9 दिव्यांगता का क्वेश्चन आंसर करने। इससे प्रीवियस लेसन्स के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज एक साथ मिल जाएगी। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है यहाँ से, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। श्रवण दिव्यांग जो अक्षम होते हैं वो किस चीज़ में होते हैं? सुनने एवं बोलने में। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वह देखा जाता है कि प्रायः बोल भी नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं किसमें? सुनने एवं बोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता। लोकोमोटर दिव्यांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपको सही और गलत का निशान लगाना है। नंबर 1 है, प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए, यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है, यह भी सही है। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसे कहते हैं ना एक्सपायरी डेट चेक करके दवा खानी चाहिए, यह भी सेंटेंस सही है। डिसग्राफिया सुसंग ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। डिसग्राफिया सुसंग ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है, यह सेंटेंस भी सही है। नेक्स्ट है, दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व है, यह सेंटेंस गलत है, ठीक है। आप इस तरह से अपनी कॉपी पर और बुक में टिक लगा लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक दिए हुए हैं, उसे आपको फिल करना है। फर्स्ट है, मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी डैश होती है। मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी धीमी या मंद होती है। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया कोई डैश बीमारी नहीं है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे डैश कहते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं, अर्थात फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन डैश में किया गया था। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में डैश व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2.21% व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं। सो इस तरह से जो इसमें ऑरेंज कलर के शब्द लिखे हुए हैं इसे आप अपनी बुक में फिल कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार ना दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। तो समझ गए प्राथमिक उपचार क्या है? चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व जो हम किसी रोगी का इलाज करते हैं उसे ही प्राथमिक उपचार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं, श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। इसका उत्तर है, दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार
अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती है, उसे दिव्यांगता कहते हैं। श्रवण दिव्यांगता क्या है? श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो दिव्यांगता क्या है? शरीर की किसी भी अंग में अगर बनावट में कोई कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, तो उसे दिव्यांगता कहते हैं। और श्रवण दिव्यांगता क्या है? जो सुनने की अक्षमता होती है, जो व्यक्ति या बच्चा सुन नहीं पाता है, उसे ही श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? अर्थात फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है, स्कूल में रखा होता है या घर में रखा होता है, तो उसमें कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? इसका उत्तर है, प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। क्या क्या वस्तुएं आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखेंगे? नंबर एक, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि, ठीक है, ये आप रखेंगे। नेक्स्ट है, कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ओआरएस का पैकेट, पेन बॉम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। ये सभी चीज़ें आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखें, ताकि किसी भी को भी पेशेंट को अगर कभी ज़रूरत हो तो आपको ये सब चीज़ें ढूंढने में समस्या ना हो और एक साथ आपको एक जगह पे मिल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? इसका उत्तर है, हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ व्यतीत कर सकें। ठीक है, जो भी हमारे आसपास दिव्यांग व्यक्ति या बच्चा हो, तो हमें उसकी पूरी मदद करनी चाहिए, ताकि वह इस समाज में आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया एवं डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं? डिसलेक्सिया एवं डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, डिसलेक्सिया के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने या याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 14 साल के बच्चों में समानता पाया जाता है। तो डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने लिखने से संबंधित बीमारी जो होती है, वही डिसलेक्सिया होता है। इसमें बच्चे शब्दों को पहचान नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है? डिसग्राफिया एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित होती है। यह एक प्रकार का लेखन विकार है, जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल प्रभावित होते हैं। तो डिसग्राफिया में क्या होता है, बच्चे जो है शब्दों को पहचान नहीं पाते हैं, जैसे बी और डी में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, 6 और 9 में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, कुछ शब्दों को उल्टा लिख देते हैं। तो इस तरह से डिसलेक्सिया में पढ़ने और लिखने से दोनों से संबंधित बीमारी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं, और सिर्फ लिखने की जो दिक्कत होती है, लिखने में परेशानी होती है बच्चे को, उसे डिसग्राफिया कहा जाता है। ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने इससे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज नहीं देखी तो उसे प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लें, आपको वहाँ पे सभी लेसन्स की एक्सरसाइज मिल जाएगी। साथ ही हमने क्लास 8th की इंग्लिश और हिंदी को भी पूरा वीडियो चढ़ा दिया है, उसे भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।